मैडम सर वो टोपा आदमी एक नंबर का डरपोक है। हम इतने डरपोक से मिले पर नमन जैसा डरपोक से नहीं मिले। उसने एक ही रट लगाया है कि अगर उसने अपना दिल का बात कह दिया तो मिश्ची जो है वो उससे दोस्ती तोड़ देगी। हमको लग रहा है कि हमें उसको अपना भौकाल दिखाना पड़ेगा। करिश्मा सिंह प्लीज, आप अपने भौकाल दिखाने के चक्कर में कोई गलती मत कर दीजिएगा। ये मत भूलिए कि ये बुलबुल पांडे का केस है, हमारा केस नहीं है। और अगर उसे भनक भी पड़ गई ना तो हमारे लिए चीता को बेगुनाह साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मैडम सर फिर हमें उसका कन्फेशन कैसे मिलेगा? कॉन्फिडेंस से, वो कॉन्फिडेंस जो नमन खो चुका है अपने गंजेपन की वजह से। एक बार वो हो जाए कि फिर वो कन्फेस भी कर देगा। मैडम सर एक मिनट, कॉन्फिडेंस के बाद कन्फेशन कैसे आएगा हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। बताइए। मैडम सर जो कॉन्फिडेंस उनका बाल जाने से गया है वो कॉन्फिडेंस बाल वापस आने से आएगा। हाँ संतु, लेकिन वो बाल है, समोसे कचोरी नहीं है ना कि ऑर्डर किया और आ गए। वैसे भी उसने कुछ कुछ लगाया था अपने सर पर लेकिन उसका बाल नहीं आ रहा है। लेकिन लेकिन मेरा आइडिया काम करेगा, बल्कि मेरा आइडिया काम करना शुरू भी कर चुका है। हाँ हाँ, नमन का गंजापन दूर करने के लिए मैंने एक बेहतरीन तरकीब बताई है उसको। उसका गंजापन मतलब दूर हो जाएगा और हफ्ते भर में उसके बाल वापस आ जाएंगे। अच्छा, और क्या है ये, जरा हमें भी तो बताओ। यहाँ आइए, बताता हूँ। बंद करो, क्या है ये? ये बाल उगाऊ गोबर है, इससे लगा डाला तो बाल घना घुंघर राधा। नमन ये बाल उगाऊ गोबर लगा रहा है, उसको और एक डिब्बा देने जा रहा हूँ। बिल्ले है? हम भी चलेंगे साथ में। हाँ तो चलो। करिश्मा सिंह जी, आपकी और नमन की इस मुलाकात के बारे में बुलबुल पांडे को जरा सा भी इल्म नहीं होना चाहिए। जी मैडम सर। चलो बिल्ली। हमारा कोई है? इतना सन्नाटा का है आज? हाँ आज एकदम खाली खाली क्यों है? मतलब उस दिन तो एकदम भरा पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे जा रहे थे, खाना खा रहे थे पी रहे थे, आज एकदम खाली खाली। ये देखो आ गए। बिल्लू जी, आपने हमारे इतने सालों की मेहनत पर गोबर फेर दिया। हम कितनी बार भी नहा ले हमारे शरीर से गोबर की बदबू जा ही नहीं रही, और कस्टमर तो बाहर ही से भाग जाता है गोबर की बदबू सूंघ के। उसको लगता है कि हमने रेस्टोरेंट नहीं तवेला खोल लिया है, और तो और पूरा स्टाफ ही छुट्टी पे चला गया। देखो नो टेंशन, अभी हमने आपके लिए ताजा ताजा गोबर मंगाया है। मतलब जैसे भैंस ने छोड़ा वैसे ही मैंने जमीन पर लगने से पहले लपक लिया, तो ये ताजा ताजा है, लगा लो। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ले लो। बिल्लू जी प्लीज डोंट माइंड, हमें ये आपका गोबर नहीं चाहिए। ये मेरा गोबर नहीं है, भैंस का गोबर है। अरे यार, अब जो भी हो भैंस को हमें नहीं चाहिए। हम अजीब तो बात नहीं हो तुम। देखो ऐसा जज्बात से समझा रहे, समझ लो वरना चुप रहो। ना हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ घूसे और लात का है, समझ रहे हो? का नमन नमन उजड़ा चमन। ए बुलबुल। हाँ बुलबुल, क्या हुआ? मैं मनहूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ले कहाँ छुपा है? छुपो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्ले कहाँ छुपी? ये इधर। हाँ वाह, बहुत बढ़िया बना। गुजर रहे थे यहाँ से तो सोचा कि तुम्हारा रेस्टोरेंट का डिश जरा सा चख ले। नाश्ता वास्ता कर ले भाई। नाश्ता नहीं, फ्री का नाश्ता। काहे कि फुकट का नाश्ता ठूसने का आदत है इस निकम्मे को। ना तो तुम अगर हमारी जगह होते तो ऐसा कहते। जी बिल्कुल सर। अच्छा वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ तुम महिला पुलिस थाने वाले तुम पर कोनो प्रेशर वेशर तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो करिश्मा सिंह, वो तुम पे कोनो दबाव तो नहीं डाल रही? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, अगर डाले तो हमको बता देना। ये ऑर्डर है सर का? अरे ऑर्डर ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो हम आप दूंगा। कहा कि चार पनीर पराठा ले लो, चार पनीर कोफ्ता ले लो, चिकन मसाला, चिकन करी, चिकन फ्राई और चार पांच तंदूरी डाल दो उसमें। इसका नाम बुलबुल नहीं, बुल होना चाहिए। कितना ऑर्डर कर रहा है, ऐसा लगता है रात भर यही बैठा रहेगा। हम भी अपना ऑर्डर करें क्या? भेजा फ्राई। अब इसके लिए भेजा फ्राई बोल दे। ठीक है सर।
एसी नहीं डलवाया क्या? क्या किया बे? हम काहे के लिए करेंगे, तो आप ही का बास लग रहा है। इका है पालक पर। अरे हाय। अरे वो सर हमारे बाल नहीं है ना, तो हम गोबर लगाते हैं सुबह शाम, तो उसी से बदबू आ रहा होगा। गोबर है? हमको लगा कि पालक पनीर है। ससुरा हम सूंघ लिए तो हम बाल आए ना आए, इससे हमारा मूड ससुरा एकदम खराब हुई गवा है। खाने का मूड नहीं है हमारा। अभी ऑर्डर दिए हैं, आ जाएगा तो गुस्सा सही हो जाएगा आपका। नहीं, ऑर्डर कैंसिल करो, कैंसिल करो भाई। अरे ऑर्डर काहे कैंसिल करना है? आप थाने में जाके खाएंगे। क्या खाएगा? गोबर। गोबर काहे खाएंगे भैया, आप जो पार्सल लेंगे वो खाएंगे। भाई लेके आओ, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए चलिए, गोबर का पास और उसके पसीने का बास एक ही है। क्या बोलो? ये लीजिए आपका गोबर, और दोबारा यहाँ मत आइएगा प्लीज। हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे अब। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे पास ना दूसरा आइडिया है, वो मेंढक का पसीना और चींटी की थूक मिलाकर आप लगा दीजिए, बाल आ जाएंगे। अरे हमें नहीं चाहिए आपका मेंढक का पसीना और चींटी की थूक, रखिए अपने पास। एक मिनट, अब हमने जो चीज ठान लिया वो पूरी होकर ही रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। कन्फेस तो तुम्हें करना होगा। देखिए हम कोई कन्फेस नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। कॉक्स जो है वो तुम कैसे भूल सकते हो? हमरा चश्मा लेके आ जा। तो हमरा शक जो है वो सही निकला है, अभी भी तुम लोग इसका साथ में जबरदस्ती कर रहे हो। बहुत मोटा चमड़ी है हसीना जी का, देख लेना क्या करते हैं हम महिला पुलिस थाने के साथ। गौर से देखिए इस दरिंदे को, यह सिर्फ नाम से ही नहीं हरकतों से भी चीता है। शिकार करता है मासूम सी लड़कियों के दिल का और फिर उसे तोड़ता है। लड़की जब मिलने के लिए बुलाती है तो अकाउंट डिलीट कर देता है। और ये हमारे वो जाबाज ऑफिसर है जिसने अपने जान की बाजी लगाकर इस दरिंदे को पकड़ा है। तो बुलबुल पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको इस दरिंदे को पकड़ के? हमको बहुत बुरा लग रहा है कि एक पुलिस वाला होकर हमें एक पुलिस वाले को पकड़ना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है हमें, लेकिन हम हमारे फर्ज के आगे कुछ नहीं देखते। हम महिला पुलिस थाने वाले ऑफिसर की तरह नहीं है कि एक मुजरिम का बचाव करे और एक बेगुनाह पे इल्जाम लगाए। हमारा इतराज चेतावनी के बावजूद वो लोग बाज नहीं आए, इसलिए हमें ये मुद्दा जो है वो पब्लिक करना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है। हसीना जी, क्या ये सत्य है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चीता को बेगुनाह प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए सर, दरअसल बात यह है कि नमन जो है वो मिष्टी का बेस्ट फ्रेंड है। वही है जो अमर प्रेमी भी है, वही है जो मिष्टी से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपने गंजेपन को लेकर बहुत कॉन्शियस है। उसे लगता है इस वजह से मिष्टी उसे मना कर देगी। ही हैज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका करें क्या। बट डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन इट। शांत हो जाइए प्लीज। कैसे रहे शांत हम? आप एक महिला हो के एक महिला के साथ अन्याय कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग हम औरतों को दूसरे मर्दों से बचाते हैं, लेकिन बात जब आपके स्टाफ मेंबर पे आई है तो आप उसे बचा रहे हैं। कैसा तुम्हारा मापदंड है ये? मैडम सर को कॉल लगाओ, यहाँ पे मामला बहुत उलझ गया, जल्दी जल्दी बुलाओ। क्या बात कर रही हैं हसीना जी? माफ कीजिएगा, हम अभी आए। हसीना जी, नमन को गंजेपन की वजह से अस्वीकार होने से भय कैसा? किसी के अस्वीकार करने से जीवन रुक थोड़ी जाता है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों? हम तो यही मानते हैं कि असफलता और अस्वीकृति दोनों को सकारात्मक भाव से देखना
आवश्यक है। जी सर, हम अच्छे से जानते हैं कि आप रिजेक्शन को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। जी हम समझे नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम मैडम सर को तुरंत लेकर आते हैं। ओहो, अब ये क्या नया बवाल हो गया। सर देखिए, हमने आपकी वीडियोस देखे। मर गए, हमने तो झूठ बोल के डीएसपी सर का सैड वीडियो बनाया था। पकड़े गए, लग गई अब तो पुष्पा सिंह। माफ कीजिए, आई नो कि आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इतने दुखी वीडियोस बनाने की क्या जरूरत थी? आप थोड़ी सी खुशनुमा हैप्पी वीडियोस भी तो बना सकते थे ना। हसीना जी, हम वही बनाने वाले थे, लेकिन लेकिन क्या? बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रसन्न वीडियो नहीं बना पाए। तो फिर सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिजेक्शन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए? आपको भी तो वही फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सर, प्लीज हमारी बात मान लीजिए, अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयत्न करेंगे। गर्मी हो रही है अब। हाँ, वो मैडम सर, संतू का फोन आया था, हमें जल्द से जल्द हमारे थाने के लिए निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धरना देने के लिए आए पुलिस थाने में। क्या हसीना जी, ये मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है और आपके पास नमन की स्वीकृति लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब क्या करेंगी आप? हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे सर, हमें निकलना चाहिए। जय 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 हिंद सर। पुष्पा जी, हमें निकलना पड़ेगा सर। पुष्पा जी एक मिनट। हाँ जी सर। आपने हमारे संदर्भ में हसीना जी से क्या कहा है? क्या आप जानती हैं कि इसके लिए हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं? अरे सर, हमने जो कुछ भी किया ना, आप दोनों के भले के लिए ही किया। हाँ मैया कसम, आप देखिएगा कुछ वक्त बाद आप हमें सस्पेंड नहीं, हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। हाँ फिलहाल हमें निकलना पड़ेगा। जय हिंद सर। पुष्पा जी जय हिंद सर। जय हिंद। मैम, आपने जनता का नहीं स्पेशली महिलाओं का भी भरोसा तोड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चीता चतुर्वेदी अमर प्रेमी है, ये बात आप क्यों छुपाना चाहती हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों झिझक रही हैं? जवाब दीजिए। हाँ बोलने तो दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं और ये कबूल करना चाहते हैं कि चीता ही अमर प्रेमी है। मैडम सर पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर गब्बर की तरफ क्यों चल रहे हैं? पूछ के देखो ना। पूछ। सर पुष्पा जी आपसे कुछ पूछना चाहती है। हम? अरे वो आप जिस तरह से चल रहे थे ना, तो हमें लगा बिल्कुल आप गब्बर की तरह चल रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि ठाकुर के हाथ कटने से पहले उसको कैसा महसूस हुआ होगा, वैसा हमारे मन में ऐसे आ रहे थे हम। क्योंकि आज हम भी गब्बर वाले कार्य करने वाले हैं। आप दोनों को क्या लगा था
डीएसपी सर खुश होंगे, शाबाशी देंगे। आप दोनों ने हसीना जी से हमारे संदर्भ में जो भ्रम फैलाया है उसका दंड आप दोनों को मिलेगा। कुछ कर ना। वेरी बैड पुष्पा जी। सर आप मुझे दंड मत दीजिए, अब मैं तो बहुत ही प्यारी सी मासूम सी क्यूट सी बच्ची हूँ। अब ये जो सारा प्लान था ना, ये सारा आपकी बहन की सास यानी कि हमारी प्यारी पुष्पा जी उनका प्लान था। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो फिर आपके मैडम सर की सेटिंग हो जाएगी। अब क्यों है ना पुष्पा जी झूठी। बस सर सर ये तुमको तो सर देख लेंगे तुमको। आप हमारी तरफ देखिए, देखिए ये ना संतू बहुत इसके भोले भाले चेहरे की तरफ मत देखिए आप। एक अकेला चीता ही है जिसे ये मासूम लगती है, वरना ये जो खतरनाक आइडिया है ना ये इसी के मासूम दिमाग से आया है। हाँ हम आप दोनों को अभी और इसी वक्त निलंबित करते हैं। अरे सर सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमने जो कुछ भी किया ना आपके भले के लिए ही किया। कैसे पुष्पा जी, हसीना जी की दृष्टि में हमें कमजोर पियक्कड़ और देवदास प्रमाणित करके। देखिए सर क्या है ना, ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि मैडम सर जब आपका ये वीडियो देखेंगे ना तो उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाएगा। आपको इस हालत में वो देख नहीं पाएंगी, फिर भाग कर आएंगी आपके पास और आपके गले लग जाएंगी। हाँ बस थोड़ा सब्र रखिए। कुछ नहीं प्राप्त होगा पुष्पा जी आपके इन व्यर्थ योजनाओं से, हम स्त्रियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि आप स्त्रियों को जानते हैं, क्योंकि आज तक भगवान भी नहीं जान पाए। सर देखिए आपको क्या कह रही है, ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं सर वो मैं ऐसे कह रही थी कि स्त्रियों को आप स्त्रियों से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ऐसे आ रही थी मैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ सर। लगता है कि आपकी योजना काम कर रही है। अच्छा थैंक यू सर। हसीना जी का मैसेज आया है, लगता है अब हमें आप दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखा देखा हमने कहा था ना संतू ये आइडिया जरूर काम करेगा, देखो कर गया ना काम। कहा बात है चीटर चतुर्वेदी, मेरा मतलब है कि चीता चतुर्वेदी। अब तो तोहरी मैडम भी मान गई है कि तू ही अमर प्रेमी है। लड़की को धोखा देने के जुर्म में दफा 240 लगाऊंगा। पता है सर आपको इसे देखकर लगता था ना कि आप अपने मेहनत से नहीं जुगाड़बाजी से नौकरी पाए होंगे, कसम से आज क्लियर हो गया कि आप उसी से पाए हैं नौकरी। वाह क्या बात है भाई, एकदम सही बोले तुम। का मतलब हरे तोहरा? नहीं कहने का तात्पर्य ये है कि धोखाधड़ी के केस में 420 का दफा लगता है ना, 240 बता रहे, बताइए इतनो नहीं पता है इनको। अनपढ़ जाहिल गवार इतने साल से पुलिस का वर्दी पहन रहा है और तुमको दफा तक नहीं पता है। निकल जा मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। क्या कह रहे हैं सर? ऐसा ही कह रहा है सर, आप हम ही पे काहे हमेशा चढ़ने लगते हैं, बताइए कोई मतलब है? जब देखे तब आप हम। ठीक है सारी 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 करते हैं ठीक। मिस्टर बुलबुल पांडे। मैडम सर। हसीना जी क्या बात है, मतलब मीडिया का थोड़ा सा प्रेशर कहाँ आ गया, आप तो एकदम सेल्फिश हो गई, अपने साथी को बीच मझधार में छोड़ दिया आपने। नहीं मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी हमारे लिए फैमिली जैसा है और हम अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इनफैक्ट अभी हम यहाँ इसे छुड़वाने के लिए आया है। छुड़वाने? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अभी तो इसके नाम का चार्जशीट बनेगा, कोर्ट में पेशगी होगा, सुनवाई होगा, कम से कम 2 साल का सजा होगा भाई। 2 साल? 2 साल तो बहुत ज्यादा है, हमें लगता है कि 2 मिनट में हम इसे यहाँ से छुड़वा लेंगे। क्या कह रही है आप ना, मतलब पुलिस का नौकरी छोड़ के ज्योतिष बन गई है क्या? पुलिस की नौकरी हमने छोड़ने के लिए ज्वाइन की ही नहीं थी। हाँ लेकिन आपकी नौकरी पर खतरा जरूर है।
करिश्मा सिंह, मिष्टी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है, तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर,